सी प्रोग्रामिंग की इस वीडियो सीरीज में आज का हमारा टॉपिक होगा ब्रेक स्टेटमेंट। ओके, सो ये हमारा शेड्यूल है जिसके अकॉर्डिंग आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस मिलेंगी। ब्रेक स्टेटमेंट के बाद हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स पार्ट वन पार्ट टू, देन फंक्शन फंक्शन पार्ट टू, उसके बाद एक मॉक टेस्ट मैं आपको कराऊंगा। ओके, तो इस शेड्यूल के हिसाब से आपको वीडियोस अवेलेबल होती रहेंगी। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। तो ब्रेक स्टेटमेंट को समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, इस एग्जांपल को देखते हैं। ओके, उससे आपको ब्रेक स्टेटमेंट का आइडिया लग जाएगा, इसका प्रोसीजर समझ में आ जाएगा। ओके, और ये भी आपको क्लियर होगा कि ब्रेक स्टेटमेंट यूज कहाँ होते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल में एक प्रोग्राम लिखना है हमें, सी प्रोग्राम, टू रीड इंटीजर्स अंटिल यूजर एंटर्स अ नेगेटिव इंटीजर और नंबर ऑफ इंटीजर रीड रीचेस टू 15। मतलब क्या कह रहा है, तो सिंपली ये बोल रहा है कि यूजर से मुझे इंटीजर इनपुट कराने। ओके, और ये इंटीजर इनपुट कराने हैं, इसके साथ उसने दो कंडीशन रखी है। मुझे इंटीजर कब तक इनपुट कराने हैं, जब तक कि 15 इंटीजर ना हो जाएं, ठीक है, या फिर जब तक यूजर एक नेगेटिव वैल्यू ना इनपुट कर दे। सपोज उसने सबसे पहले 6 इंटीजर पुट कराए पॉजिटिव, ओके, उसके बाद सातवां इंटीजर नेगेटिव पुट करा दिया, तो वो बोल रहा है जैसे ही नेगेटिव इंटीजर आए उसके बाद मुझे यूजर से वैल्यू रीड नहीं करानी है। ओके, और सेकेंड कंडीशन, ये वाली कंडीशन बोल रही है कि अगर मान लो वो 15 की 15 अगर पॉजिटिव वैल्यू पुट करेगा, पॉजिटिव वैल्यू इनपुट करेगा, तो जब 15 इंटीजर टोटल रीड हो जाएंगे उसके बाद हमें बाहर आ जाना है, उसके बाद हमें टर्मिनेट हो जाना है, एग्जिट हो जाना है। ओके, तो मतलब दो कंडीशन है, या तो 15 इंटीजर वो पुट कर दे और 15 के 15 इंटीजर पॉजिटिव भी पुट करे, अगर 15 इंटीजर से पहले उसने कोई नेगेटिव इंटीजर पुट कर दिया तो मुझे टर्मिनेट हो जाना है। ओके, तो क्या करा है इसके लिए, हैज इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल लगाई, मेन प्रोग्राम स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने दो इंटीजर टाइप वेरिएबल ले लिए, एक n एक i। ओके, अब मैंने क्या करा है, एक लूप चलाया है 0 से 15 तक, तो 0 से 15 तक एक फॉर लूप चला दिया है। ठीक है, ये क्यों चलाया हुआ है यार, 15 इंटीजर पुट कराना है, तो उसके लिए उसने 0 से 15 तक नंबर ले लिए, 0 से 14 तक 15 इंटीजर इनपुट हो जाएंगे। ओके, उसके बाद उसने प्रिंटएफ के अंदर लिखा है रीड इंटीजर, तो ये रीड इंटीजर यहाँ प्रिंट हो जाएगा जब प्रोग्राम रन होगा। ठीक है, क्लियर। उसके बाद वो बोला है स्कैनएफ परसेंटाइल डी एम परसेंट एन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इनपुट करने को बोल रहा है, तो यूजर जो भी वैल्यू इनपुट करेगा वो इस एन में जाके स्टोर होगी। ठीक है, अब मान लो यूजर ने पहली बार में 6 वैल्यू प्रिंट करी। ओके, तो n में 6 आ गया, n लेस देन 0, n 0 से छोटा है नहीं, तो फिर वो क्या करेगा, वापस जाके अगले इटरेशन पे आएगा, यानी i की वैल्यू 1 हो जाएगी। ओके, अब i की वैल्यू 1 हुई, यहाँ पे यूजर ने 7 इनपुट किया, यूजर ने 7 इनपुट किया, फिर कंडीशन चेक हुई, 7 लेस देन 0 नहीं, कंडीशन फॉल्स, तो वापस जाएगा, i की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर उसके बाद फिर बोला रीड इंटीजर, तो उसके बाद मान लो यूजर ने यहाँ पे पुट कर दिया -1, अब जैसे ही यूजर -1 पुट करेगा तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, यानी ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब देखो, जैसे ही कंपाइलर ब्रेक स्टेटमेंट के पास पहुंचता है तो ब्रेक क्या करता है, उसको लूप से टर्मिनेट कर देता है। ठीक है, इसी पॉइंट पे ये लूप से बाहर चला जाएगा। कहने का मतलब क्या है, जैसे ही यहाँ यूजर ने -1 पुट किया तो ये ब्रेक स्टेटमेंट की कंडीशन ट्रू हो गई, यानी ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अब ब्रेक स्टेटमेंट जैसे ही एग्जीक्यूट होगा ये इसे इस लूप से बाहर भेज देगा, ये जो फॉर का ब्लॉक है इस ब्लॉक से ये बाहर भेज देगा। ठीक है, तो सिंपली ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, ब्रेक स्टेटमेंट जैसे ही कंपाइलर ब्रेक स्टेटमेंट के पास जाएगा वो उसे इस ब्लॉक से, मान लो ये फॉर का ब्लॉक है या फिर वाइल का ब्लॉक है या फिर मान लो आप डू वाइल का ब्लॉक है, किसी का भी ब्लॉक हो, उस ब्लॉक से टर्मिनेट कर देगा, बाहर भेज देगा। ठीक है, तो देखो इसका फ्लो चार्ट सिंपली क्या बोल रहा है, पहले स्टार्ट होना है
ठीक है, स्टार्ट हुए, उसके बाद हमारी कंडीशन होगी। कंडीशन कौन सी होगी? फॉर की कंडीशन हो सकती है, वाइल की कंडीशन हो सकती है, ठीक है, ये कंडीशन होंगी। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हम बॉडी ऑफ द लूप में आएंगे, ये बॉडी है इस बॉडी में आएंगे, ये बॉडी है लूप की इस बॉडी में आ जाएंगे, ठीक है। फिर बॉडी ऑफ द लूप में अगर ब्रेक कंडीशन पे वो अचीव कर रहा है, यानी ब्रेक स्टेट, ब्रेक कंडीशन को वो रीच कर रहा है, अगर ब्रेक कंडीशन, ब्रेक के लिए कोई कंडीशन दी होगी इसमें, अगर वो ट्रू हो रही है, अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तो हमें स्टॉप हो जाना है, टर्मिनेट हो जाना है, लूप से बाहर निकल जाना है। अगर मान लो ब्रेक वाली कंडीशन फॉल्स है, यानी वो ब्रेक पे रीच नहीं कर पाएगा, अगर ब्रेक पे वो रीच नहीं कर पाएगा तो वो वापस अपनी इनिशियल कंडीशन पे आ जाएगा, ये हमारी यहाँ जो कंडीशन लिखी होगी, यहाँ जो कंडीशन लिखी होगी यहाँ आ जाएगा। अब एक और उसने लूप चलाया, वो बोल रहा है इफ कंडीशन इज फॉल्स, अगर यहाँ वाली कंडीशन ही फॉल्स होगी तब भी उसे क्या करना है, एग्जिट कर जाना है, ठीक है। सिंपली ब्रेक क्या कर रहा है, फिर से देख लो इसे, हमने मेन कंडीशन चेक की, हम बॉडी ऑफ द लूप में एंटर हुए, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ब्रेक की कंडीशन, जो इफ के अंदर जो कंडीशन लिखी हुई है और जिसके नीचे ब्रेक लिखा हुआ है, इस कंडीशन को चेक कर रहे हैं, अगर ये कंडीशन ट्रू है तब भी हम टर्मिनेट कर जा रहे हैं, अगर कंडीशन फॉल्स है तो वापस जाएंगे, हम अपनी इस कंडीशन को चेक करेंगे, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो बॉडी ऑफ द लूप में आएंगे, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो फिर से हम बाहर आ जाएंगे। ओके, सिंपल था ये। तो इसके अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स, ठीक है, ये ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनसे आपका फ्लो कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल क्या, जो मैंने आपको इफ एल्स बताया था, फॉर लूप बताया था, वाइल लूप बताया था, डू वाइल लूप बताया था, इन सबके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होंगे, और ये ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो अक्सर एग्जाम्स में, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू।